बड़ी खबर है केरल के वायनाड से, जहां पर वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है और इसको लेकर पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की है। पूरी डिटेल इस लैंडस्लाइड की घटना को लेकर ली है। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड पर दुख भी जताया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड की, जो घटना देर शाम यहां पर सामने आई है। भारी बारिश के बाद पीएम मोदी ने सीएम को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने कहा है बीजेपी कार्यकर्ता भी राहत कार्य में मदद करे। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वायनाड की, जहां पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और इसमें अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। 8 लोगों की मौत अब तक हो गई है, ये बताया जा रहा है। पीएम ने बात की है केरल के सीएम से। और इस बीच आपको बता दें कि केरल के वायनाड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। मलबे में दबने से समय 8 लोगों की मौत हो गई है। वायनाड में भूस्खलन में सैकड़ों लोग फंस गए हैं। लैंडस्लाइड के चपेट में दर्जनों घर आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। वायनाड में लैंडस्लाइड जो हुआ है उसमें सैकड़ों लोग फंस गए और अब इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए लैंडस्लाइड की बहुत भयंकर तस्वीरें हैं। सब कुछ तहस नहस हो गया इस इलाके में। तो केरल के वायनाड में बारिश के बाद कैसे तबाही आ गई, यह हम आपको बताते हैं। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देख रहे हैं। वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई है, भूस्खलन हो गया। मलबे में दबने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वायनाड में भूस्खलन में सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए मलबे में जो जानकारी मिल रही है। घायलों का मेपाड़ी के अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 50 से 60 घायल वहां पर एडमिट करवाए गए हैं। जो खबर है लैंडस्लाइड की चपेट में दर्जनों घर आए हैं। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए। केरल के वायनाड में जो तबाही मची है उसके बारे में अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ विवेक नारायण और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, क्या खबर है एनडीआरएफ की तरफ से, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? विवेक, आवाज आ रही है आपको? विवेक नारायण से संपर्क हमारा टूटा है, दोबारा हम कोशिश करते हैं। मलबे में दबने से 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और लैंडस्लाइड के बाद ये भारी तबाही मची है। पहले बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, रेसिडेंशियल इलाके सब कुछ डूब चुका है। केरल के वायनाड से तस्वीरें जहाँ पर एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और ये रात की तस्वीरें जब जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, बुलडोजर्स लगाए गए हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन बारिश ने और ज़्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद ये पूरा मलबा शहर की तरफ आ गया और इसी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपडेट लेने के लिए बात की कि इस वक्त कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरेश जी, आप अगर बता पाएं कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड के बाद, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या अपडेट आप तक मिल रहा है? अभी तक मुझे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिला है। मैंने सवेरे 6:30 बजे कलेक्टर को फोन किया, वो कलेक्टर मैडम वहां जा रहे हैं लेकिन वहां पहुंचने की थोड़ी तकलीफ है। एक ही पुल था, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द रेस्क्यू मैनेजमेंट टीम इज आल्सो फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर। मुश्किल है लेकिन ये तो काम हमें करना पड़ेगा। मैंने सारा जो रिपोर्ट मिला उनसे वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट दिया और उन्होंने फोन किया। बाय दिस टाइम मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी
वहां के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन जी से के बात किया होगा और सिलूर से दो हेलीकॉप्टर्स गए लेकिन लैंडिंग करने की कोशिश करते थे दी विंड एंड दी ऑनगोइंग रेन हेवी रेन इट्स नॉट परमिटिंग अ लैंडिंग सो आई थिंक दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड. The whole disaster team, other local rescue teams are in waiting to get to that place. Access to that place is completely blocked. जी. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी बातचीत करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष से. उन्होंने कहा था कि कई ऐसे इलाके हैं जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं लेकिन इस बात के लिए मुस्तैदी दिखाई जा रही है कि एनडीआरएफ की टीम उन जगहों पर उन विषम जगहों पर भी पहुंच रही है जहां पर लोग फंसे हैं उन तक मदद नहीं पहुंची है.